ऑनलाइन सेल्ड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताम मुअज़्ज़ज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खासी कंद डोरू अचाबल और शोपियान में किया। मुतल्लिका एमसी कमेटी की तरफ से लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने आसपास के इलाके को आलूदगी से पाक बनाने के लिए इसे सहूलत से भरपूर फायदा उठाए। कूड़ेदान के हवाले से किसी भी मदद के लिए ईओ खासी कंद के दफ्तर से राब्ता करें। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो म्यूनसिपैलिटीज़ में सबसे बहुत बड़ा जो इशू था वो ये था कि हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल था दैट वाज नॉट ऑन द साइंटिफिक लाइंस टिल डेट। तो वो जो वेस्ट हम डिस्पोज ऑफ करते थे, कभी डंपिंग साइट्स पे ऐसे ही ओपनली करते थे, कभी जो लैंडफिल साइट्स हैं वहाँ पे करते थे, ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो थैंक्स टू द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले एक दो साल में बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हमारे हेड हैं और पर्टिकुलरली हमारी जो डायरेक्टर मैम हैं, तो उनके एफर्ट्स की वजह से जो हमारा ये ख्वाब था, बहुत बड़ा ख्वाब था हर एक म्यूनसिपैलिटी का कि हमारी जो ये साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ये आज से स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट फेज में अभी 10 म्यूनसिपैलिटीज़ में स्टार्ट हो गया है। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये है कि ओपन डंप साइट्स आज से क्लोज हो जाएंगी और जितना भी हमारा वेस्ट आता है वो सारा यहाँ पर साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ होगा। लोगों के लिए मेरी एक बहुत ही खास मैसेज है कि वो ये है कि ये जो सारा प्लांट है इट्स वर्थ ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़। ये 300 करोड़ का लगभग तीन करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट है। तो इसमें एक ही कामयाबी है हमारी भी और उनकी भी कि सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। जब तक हम सेग्रीगेट अपने घर से वेस्ट नहीं करेंगे, जिसके लिए हमने ग्रीन और ब्लू डस्टबिन देके रखे हैं डोर टू डोर, तो वो कामयाब करना है। किसी के पास डस्टबिन नहीं है वो म्यूनसिपैलिटी पे आ सकता है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। बट द ओनली सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ कि इसको जो है